हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैयद सौबान और आप देख रहे हैं JagranJosh.com। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आज के टॉप करंट अफेयर से कौन से सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और उनसे रिलेटेड क्या फैक्ट्स हो सकते हैं, उन पर भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के सवालों का दौर। यूनेस्को की UCCN सूची में हाल ही में भारत के किस शहर को पाक कला श्रेणी में शामिल किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हैदराबाद। हैदराबाद के साथ इस सूची में मुंबई को भी शामिल किया गया है। तो आपको बता दें कि यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में मुंबई को फिल्मों के क्रिएटिव शहर का सदस्य घोषित किया गया है और इसी तरह से हैदराबाद को बिरयानी और अन्य स्वादिष्ट पकवानों के लिए व्यंजनों की श्रेणी में क्रिएटिव शहर के रूप में नामित किया गया है। यूनेस्को ने UCCN सूची में दोनों शहरों को दुनिया भर के 64 अन्य शहरों सहित इस सूची में जोड़ा है और अब इस सूची में कुल 246 शहर जुड़ चुके हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में आधिकारिक रूप से 5G नेटवर्क लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, चाइना। दोस्तों आपको बता दें कि चीन ने 50 शहरों में आधिकारिक रूप से 5G नेटवर्क लॉन्च किया है। इन शहरों में बीजिंग, शंघाई, शेंजेन आदि शामिल हैं। चीन ने 3 सरकारी कंपनियों चाइना टेलीकॉम, चाइना मोबाइल और चाइना यूनिकॉम द्वारा देश में 5G नेटवर्क लॉन्च किया है। और साथ ही आपको ये भी बता दें दोस्तों कि भारत में 5G नेटवर्क वर्ष 2020 तक लॉन्च हो जाने की उम्मीद जताई जा रही है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। हमारी वेबसाइट JagranJosh.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चुनाव आयोग द्वारा झारखंड विधानसभा चुनावों को कितने चरणों में कराए जाने की घोषणा की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 5। दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 राज्य के 81 निर्वाचन क्षेत्रों में 30 नवंबर से 5 चरणों में होगा। मतगणना 23 दिसंबर 2019 को होगी और जनवरी 2019 को प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार झारखंड में 2.265 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें 1.187 करोड़ पुरुष मतदाता हैं, 1.080 करोड़ महिला मतदाता हैं, जबकि 40,336 सेवारत मतदाता हैं। चुनाव आयोग ने कुल 90 में से 19 जिलों को माओवादी प्रभावित क्षेत्रों के रूप से पहचाना है और इनमें से 13 जिलों को सबसे अधिक प्रभावित घोषित किया है। जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 17। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि अभी हाल ही में मोदी जी ने भी इससे मुलाकात की थी। आपको बता दें कि जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल जो हैं वो 2 दिवसीय भारत के यात्रा पे थीं और भारत में आने के बाद उन्होंने आयुर्वेद और योग, व्यावसायिक रोगों, समुद्री प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप सहित 17 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देशों ने 5 संयुक्त घोषणा पत्रों का भी आदान प्रदान किया है, जिसमें रणनीतिक परियोजनाओं पर सहयोग, हरित शहरी विकास के लिए साझेदारी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास और समुद्री कूड़े के निपटान के लिए सहयोग शामिल है। भारत के किस शहर में प्रदूषण के चलते स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है? जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं, लगातार न्यूज़ में भी आ रहा है और इसका सही जवाब है दिल्ली। वो ऐसा शहर है जहां पर स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है। पर्यावरण प्रदूषण प्राधिकरण EPCA ने दिल्ली NCR क्षेत्र में स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। EPCA ने घोषणा करते हुए ये भी कहा कि आगामी 5 नवंबर तक दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और ग्रेटर नोएडा में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। और साथ में आपको ये भी बता दें कि 5 नवंबर 2019 की जो डेट है, 5 नवंबर 2019, वहाँ पर दिल्ली में जितने भी स्कूल हैं वो बंद कर दिए गए हैं और राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कई
स्थानों पर 500 पॉइंट से भी ऊपर पहुंच गया है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित ईपीसीए पैनल ने दिल्ली एनसीआर में जन स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। भारतीय खिलाड़ी शिवा थापा और पूजा रानी द्वारा ओलंपिक टेस्ट में कौन सा पदक जीता गया है? इसका सही जवाब है वो है स्वर्ण पदक। देखिए दोस्तों, आपको जो बता दें, जो शिवा थापा है वो 63 किलोग्राम की श्रेणी में खेलते हैं और जो पूजा रानी है वो 75 किलोग्राम की श्रेणी में मुक्केबाजी के लिए ओलंपिक टेस्ट प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। एक अन्य और भारतीय खिलाड़ी हैं जिनका नाम है आशीष, उन्होंने 69 किलोग्राम की श्रेणी में मुक्केबाजी खेली थी और उनको फाइनल में हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उनको रजत पदक से संतोष करना पड़ा। शिवा थापा ने एक तरफा मुकाबले में कजाकिस्तान के राष्ट्रीय चैंपियन और एशियाई कांस्य पदक विजेता संताली तोलाचेव को 5-0 से हराया। पूजा रानी ने ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी कैटलिन पार्कर को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। निम्नलिखित में से किस दिन हरियाणा स्थापना दिवस मनाया जाता है? जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि अभी हाल ही में 1 नवंबर था और 1 नवंबर के दिन ही हरियाणा स्थापना दिवस मनाया जाता है। हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। इसे पूर्वी पंजाब से भाषाई आधार पर पृथक राज्य बनाया गया था। वर्ष 2019 को हरियाणा की स्थापना को 53 वर्ष हो गए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 3 बॉर्डर हरियाणा राज्य के साथ मौजूद है। हाल ही में किस टेक्नोलॉजी कंपनी ने फिटबिट का अधिग्रहण कर लिया है? आपका जो ऑप्शंस हैं उसमें से सही जवाब है ऑप्शन बी, गूगल। देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि स्मार्ट वेरेबल निर्माता फिटबिट को गूगल ने $2.1 अरब यानी कि 14,886 करोड़ रुपए में खरीदने का फैसला किया है। फिटबिट ने पहली बार 2017 में स्मार्ट वॉच पेश की थी। फिटबिट के कोफाउंडर और CEO जेम्स पार्क हैं। इस समझौते से गूगल ने वेरिएबल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कदम रख दिया है और यह सौदा सर्वश्रेष्ठ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक साथ लाने में मदद करेगा। अब दोस्तों, एक सवाल जो हमने पिछले वीडियो में आपसे पूछा था, उसमें हमने आपसे पूछा था कि 35वां आसियान शिखर सम्मेलन हाल ही में किस शहर में आरंभ हुआ है? इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, बैंकॉक। दोस्तों आपको बता दें कि 35वां आसियान शिखर सम्मेलन 31 अक्टूबर से बैंकॉक में शुरू हुआ और ये 4 नवंबर तक यानी कि आज के दिन तक चलेगा। थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चान ओ चा ने इसका उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 और 4 नवंबर को इस सम्मेलन में शामिल होंगे। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान में 10 सदस्य देश हैं। आसियान संगठन दक्षिण एशिया क्षेत्र में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देता है। अब एक सवाल आपके लिए, भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य नवंबर 2019 में आयोजित होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? आपके ऑप्शन हैं टस्टलिक 2019, पराक्रम 2019, योद्धा 2019 या फिर वी 2019। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो पे कमेंट करके हमें बताएं इस सवाल का जवाब और यूं ही देखते रहें जागरणजोश.com।